हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आप सब लोग मास गेनर ढूंढ रहे हैं, वो भी 1000 रुपये से कम में और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हो जिनके, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे मास गेनर जो कि पूरे कॉस्ट इफेक्टिव हैं, उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मिक्सिबिलिटी काफ़ी ठीक ठाक है और उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि जो भी मास गेनर मैं बता रहा हूँ उनमें सब में आपको न्यूट्रिशनल कंटेंट में जो क्वांटिटी होगी, जो भी आपको जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो कैलोरीज वगैरह सब मिलती हैं, वो लगभग आपको सेम ही मिलेगी। कुछ 5, 10 या 20 का कुछ ऐसे फ़र्क हो सकता है। ये कैलोरीज का बता रहा हूँ मैं आपको, 15-20 कैलोरीज का फ़र्क होगा किसी में, किसी में 2-4 ग्राम कार्ब्स का फ़र्क होगा, किसी में 1-2 ग्राम प्रोटीन का फ़र्क होगा। मींस ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है किसी में, इसलिए मैं किसी के भी न्यूट्रिशन कंटेंट इतना आपको नहीं समझाऊंगा। बस जो जो सप्लीमेंट में जो कुछ खास चीज़ पड़ी होगी बाकी सप्लीमेंट बाकी मास गेनर से हट के, उनका नाम मैं आपको बता दूंगा और वो खास चीज़ क्या पड़ी होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे 5वां नंबर पर आता है जो कि हमारा मास गेनर है, वो है हमारा नाक प्रो मास गेनर, ठीक है। अब नाक प्रो मास गेनर आपका मास गेनर भी बनाती है, वे प्रोटीन भी बनाती है और ये कंपनी जल्द ही फेमस हुई है, कुछ ही टाइम हुआ है अभी इसको आए हुए, और ये काफ़ी ठीक ठाक बनाती है प्रोडक्ट। इसकी क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है और प्राइसिंग की बात करें, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको मास गेनर प्रोवाइड करते हैं और वे प्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और मास गेनर की वैसे हम बात करें, वे प्रोटीन की तो ना ही करें, खैर मैं आपको बता रहा था। तो इनकी बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी इनकी ठीक ठाक है, मैं कहूँगा मिक्सिबिलिटी इसकी ओके है, फ्लेवर भी इसका ओके है, नो डाउट प्राइस के हिसाब से बहुत ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपको क्रिएटिन मिलता है। क्रिएटिन पीछे मेंशन नहीं है इसके पैकेज पे कितना आपको पर सर्विंग में मिलता है, लेकिन आपको क्रिएटिन इसके अंदर मिलता है और इसके रिजल्ट काफ़ी ठीक ठाक है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों न्यूट्री मासिव मास गेनर, ठीक है। ये भी कंपनी है न्यूट्री मासिव, ये कंपनी है और इसका भी मास गेनर आता है, मास गेनर वेट गेनर दोनों आते हैं, लेकिन हम मास गेनर की बात करेंगे क्योंकि वेट गेनर में क्या है, वेट गेनर में आपको प्रोटीन कम मिलता है, 10 ग्राम का प्रोटीन आपको मिलता है 100 ग्राम में, तो वो ठीक नहीं है। तो मास गेनर में आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपके मसल मास भी साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना आप वो मास गेनर ही लें। और मास गेनर की बात करें प्राइसिंग की इसकी, तो न्यूट्री मासिव मास गेनर आपको पड़ता है 2000 रुपये में 5.5 किलो आपको मिलता है। आप सोच सकते हैं 2000 रुपये में 5.5 किलो, यानी आपको 500 रुपये से भी कम में आपको पड़ गया पर केजी का, ठीक है। अब आप सोचिए कितना सस्ता है ये, और ऐसा नहीं है कि आपको कूड़ा दे रहा है कोई, आपको लग रहा हो कि भाई ये कूड़ा ही होगा यार, 5 किलो ऐसे 5.5 किलो ऐसे थोड़ी मिलता है। नहीं दोस्तों, क्वालिटी के मामले में जिस हिसाब से प्राइसिंग है, आप चाहे ऑनलाइन भी रिव्यू देखेंगे, वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है, बकेट में आती है, उसके अंदर आपको पॉलीथीन मिलता है और उसके अंदर पॉलीथीन के अंदर आपको मास गेनर मिलता है। पॉलीथीन को पलट करके मास गेनर उसके अंदर खाली कर सकते हैं। और बाकी मिक्सिबिलिटी की बात करें, मिक्सिबिलिटी इसकी ओके है, फ्लेवर ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एवरेज है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आप ख़राब खा रहे हैं। और बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है जिस हिसाब से प्राइस है। और इसके अंदर आपको क्रिएटिन नहीं मिलता है, इसके अंदर नॉर्मल आपको वही जो कैलरी मैंने रेंज बताई थी, जो 350 से लेकर के 400 के बीच में जो कैलरीज होती है, वही आपको कैलरी की रेंज इसमें मिलेगी, ठीक है, पर 100 ग्राम की बात मैं कर रहा हूँ। और प्रोटीन वही आप कह सकते हैं, वही 20 से लेकर के 25 ग्राम के बीच में आपको मिलता है, 20 नहीं होता लेकिन 20 से ज़्यादा होता है, 25 से कम होता है। और कार्बोहाइड्रेट भी वही आप कह सकते हैं कि 70 से लेकर के 80-85 के बीच में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है पर 100 ग्राम में, ठीक है। और ये पिछले वाले में भी था। अब बात करते हैं देखिए दोस्तों तीसरे मास गेनर की, जो कि हमारा काफ़ी फेमस कंपनी का है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा अगर आप मेरे चैनल पे हैं पहले से। तो मैं बात कर रहा हूँ बिग मसल रियल मास गेनर की। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा मास गेनर है जो कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसकी बिक्री हुई है पहले के टाइम में जब स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था और एक ट्रस्टेड कंपनी थी आप कह सकते हैं। मसल ब्लेज के बाद दूसरा ट्रस्ट इसी पर ही आता है। मसल ब्लेज का भी आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा ऐड सुना होगा क्योंकि पुरानी कंपनी है, ये भी पुरानी कंपनी है, लेकिन नाम ज़्यादा आपने मसल ब्लेज का सुना होगा, फिर आपने बिग मसल का सुना होगा। तो बिग मसल ने भी जब अपना मास गेनर लॉन्च कराया था तो काफ़ी धुएँदार तरीके से बिका था और इसके रिजल्ट मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं रिव्यूज़ वगैरह की, आप चाहे तो जाकर के मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। जो पिछले सप्लीमेंट है उनकी भी रिव्यू मेरे चैनल पे है, उनको आप जाकर चेक कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसकी क्वालिटी की, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और मिक्सिबिलिटी की बात करें, मिक्सिबिलिटी में नो डाउट काफ़ी अच्छा है। फ्लेवर की बात करें तो फ्लेवर मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा था इसका फ्लेवर, कोई इसमें ऐसा मुझे अजीब नहीं लगा था। बस वही है कि आपको मिठास थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल फ्लेवर एडिड है, ठीक है। और बाकी वही न्यूट्रिशन कंटेंट आपको सेम वही 250 से 300 के बीच, जो मैंने आपको कैलरीज बताई थी 350 से लेकर के 400 के बीच में आपको कैलरीज 100 ग्राम में, और वही प्रोटीन 100 ग्राम के हिसाब से जो पिछले वाले में बताया था आपको। अब बात करते हैं देखिए दोस्तों दूसरा हमारा मास गेनर आता है इसी ब्रांड का, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसको मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा है। वो क्या है आपका,
वो है आपका बिग मसल्स का ट्रू गेन। ये गोल्डन और ब्लैक की पैकेजिंग में आता है, आपने शायद ही देखा हो, क्या पता आपने यूज़ किया, क्योंकि अभी लॉन्च ही हुआ है, जस्ट क्या लॉन्च हुआ है, मतलब हो गया है कुछ टाइम इसको, और धीरे धीरे इसकी मार्केटिंग हो रही है, थोड़ा बहुत सेल वगैरह बढ़ रहा है। लेकिन इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर आपको 650 रुपये के अंदर आपको इसके अंदर क्रिएटिन मिल रहा है, जो कि आपको अदर सप्लीमेंट में नहीं मिलता है। वैसे जो मैंने बताया था उसमें मिलता है, लेकिन इस वाली क्वालिटी में आपको शायद ही किसी में मिले, क्योंकि इसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, और क्वालिटी इसकी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अच्छी लगी। और बाकी इसकी पैकेजिंग वगैरह जिपलॉक में आती है, और बाकी वही सेम न्यूट्रिशन कंटेंट इसका जो मैंने आपको बताया था पिछले वाले में मिलता है, वही सेम रिपीट करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। और बाकी देखिए दोस्तों, रिजल्ट की इसकी बात करें, रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं जैसे बाकियों के हैं। बाकी रिजल्ट आपकी डाइट पर डिपेंड करता है, मास गेनर पर डिपेंड नहीं करता। साइड इफेक्ट की हमें बात करनी चाहिए, साइड इफेक्ट इसके कुछ भी नहीं हुए, ना ही पिछले मास गेनर के मेरे को देखने को मिले थे जब मैंने उनको यूज़ करा था। देखिए दोस्तों, नंबर वन पे आता है इस लिस्ट में हमारा, जो कि आप गेस कर सकते हैं कौन सा होगा, वो है दोस्तों हमारा कोबरा लैब का द बुल मास गेनर। अब दोस्तों इसको नंबर वन पे इसलिए मैंने रखा है क्योंकि भाई ये मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि इसके जो मुझे फ्लेवर है, मिक्सेबिलिटी है, क्वालिटी है, पैकेजिंग है, और इसका आप कह सकते हैं कि लगभग एक एक चीज़ मेरे को कोई ख़राब नहीं लगी। और जो क्रिएटिन का इसमें अमाउंट पड़ा है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको 4 या 5 ग्राम के आसपास इसमें क्रिएटिन मिलता है पर सर्विंग में। और यही देखिए दोस्तों इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको 450 रुपये में, और ये तो वो पिछले वाले से भी कम ही प्राइस में, सबसे कम प्राइस में यही पड़ा आपको, वो भी क्रिएटिन वाला। मैं बिना क्रिएटिन वाले की अगर बात करूँ तो बिना क्रिएटिन वाला तो आपका न्यूट्रीमासिव था, लेकिन विद क्रिएटिन के साथ आपको ये वाला सबसे सस्ता पड़ता है। 450-450 रुपये के बीच में जब ऑफ़र चल रहा होता है तो 500 से नीचे चला जाता है, कभी कभार शायद ही वैसे जाता हूँ, तो ये सबसे बेस्ट इसी वजह से है। बाकी जो भी मैंने आपको बताया फ्लेवर, क्वालिटी वगैरह, इस प्राइस रेंज में आपको सबसे बेस्ट और किसी सप्लीमेंट में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आपको लग रहा हो कि मैं केवल बस बढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं कोई नीचे लिंक डाल रहा हूँ कि आप जाकर के वहाँ से खरीदे कोई ऑफर मिलेगा। प्रमोशन में यही सारी चीज़ होती है कि आपको कहते हैं कि लिंक नीचे डाल दूंगा, मेरा कूपन यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, मैं कोई आपको लिंक ही नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपको तो बता रहा हूँ कि भाई हाँ ये लीजिए, वो लीजिए, वो लीजिए, तो मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, कुछ भी नहीं। बस सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता था कि आपका थोड़ा समय बचे, आप इधर उधर ना भटकें, आपको कुछ एक 5 नाम ऐसे पता चल जाए जिनको आप खुद जा करके ऑनलाइन सर्च करके अपना समय बचा करके और इनको परचेज कर सके। अब मैंने आपको बता दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो रिसर्च करना चाहें करें, जो देखना चाहें देखें, बस आपका समय बच गया कि हाँ भाई कौन सा खरीदें, कौन सी कंपनी का सही हो, ये सही होगा कि वो सही होगा, तो उसका आपका समय बच गया। अब आपको जो मैंने सप्लीमेंट के नेम बताया आप उनको चाहे तो जा करके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, और चाहे तो आप मेरे चैनल पर जा करके उनका रिव्यू देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी रिव्यू बनाया हुआ है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे के सारे मास गेनर के नाम बता दिए जो भी थे, मैंने न्यूट्रिशन कंटेंट में नहीं घुसा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ऑलरेडी ये वीडियो 8 मिनट की क्रॉस हो गई है आप देख सकते हैं जैसा कि, तो इस हिसाब से मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर चेक करें, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों आपको डाइट प्लान चाहिए तो सिंपल सी बात है मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं वहाँ पर आपको डाइट प्लान भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, थैंक यू।